मेरे घर में है बच्चे बच्चे आ गए, ठीक है, सो थोड़ा आवाज आएगा तो कर लो भी सहन, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो लास्ट हमने मतलब दिवाली के पहले तक हमने डे 3 तक हम आ गए थे और टोटल नंबर ऑफ डेज जो है 16 डेज हो चुका है, मतलब अभी 30 डेज का था ना पूरा टोटल जो था वो 30 डेज का ही था, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, डोंट वरी, ये 30 दिन में ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है, सो डोंट वरी। अभी हम डे 4 पे, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7, तो मोस्टली ये वीक चलेगा, ये वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। ऐसा कोई भी फास्ट नहीं चलूंगा, जैसे स्पीड में आया था उसी स्पीड में हम जाएंगे, ओके। तो अभी हमने डे 3 तक हमने कंप्लीट किया था, मतलब सी का हमने आधा सिलेबस पूरा टोटली कंप्लीट किया है। डे 1, डे 2, डे 3 थोड़े से बड़े बड़े थे, मतलब उनमें नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, नंबर ऑफ डेटा ज्यादा था। अभी इसके बाद का जितना भी कुछ है वो बहुत सिंपल जाएगा अगर आपने पूरे तीनों डेज प्रॉपरली किए हो तो, ओके। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा डाउट है, सर वो फॉर लूप नहीं आता, इफ एल्स नहीं आता, तो आपने वो प्रीवियस वीडियोस देख लेना है, थोड़ा सा आपने वो नॉलेज आ जाएगा। डे 3 तक मैंने एक प्रोजेक्ट भी करवाया था, ठीक है, इन द मिडल वाला जो प्रोजेक्ट है, नॉट मेगा प्रोजेक्ट बट एक मीडियम सा मिनी प्रोजेक्ट करवाया, होटल मैनेजमेंट टाइप बिलिंग सिस्टम वाला, तो वो भी आप कर सकते हो, जिससे आपका और भी एक नॉलेज बढ़ेगा। बिकॉज सी सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स करना, उसका यूज देखना, उनके वो जो हमने ये जो टूल्स पढ़े, हम टूल्स ही बोल सकते हैं उसको, उनका यूज करके देखना है ना, वो इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो सभी लेंगे, सभी जन पढ़ा देंगे आपको इफ एल्स वगैरह, है ना, सिंटैक्टिकली सभी जन पढ़ा देंगे, पर उसका यूज इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो हो गया बहुत टिकटॉक, ओके। हमने इसमें डे 3 में हमने एक टॉपिक पढ़े थे जो हम यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं, बिकॉज डे 4 का फर्स्ट टॉपिक वही है जो कि मैंने डे 3 में पढ़ा चुका हूँ, दैट इज नथिंग बट अ पॉइंटर। हम पॉइंटर पढ़ने वाले हैं, तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आपको पूछूंगा कि व्हाट इज पॉइंटर, सो आंसर देना आपको व्हाट इज पॉइंटर, हाउ टू यूज पॉइंटर, और क्या करता है एक्चुअल में पॉइंटर, और बैकग्राउंड वॉइस में जो बच्चा है उसको छोड़ दो, अभी क्या कर सकते हैं उसको अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ले लेते माय पॉइंटर, ओके। सो प्रोजेक्ट का नाम ये तो आपको पता ही है क्या है, जेएनयू सी कंपाइलर। नेक्स्ट फिनिश एंड यप, ओके। सो व्हाट इज पॉइंटर, तब तक आंसर दो। सो व्हाट इज पॉइंटर, डरने की बात नहीं, गलत तो गलत मैं बता दूंगा आपको। What is pointer? As a interview prospectus, this is most important topic. पूछा जाता। अगर सी पे अगर क्वेश्चनिंग हो रही है तो पॉइंटर पूछेगा, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। काय बंदा है? So बताओ। What is pointer? अरे बाप रे। सॉरी यार, मतलब ओपन था, मतलब चैट विंडो की तरफ जानी था। एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नहीं शुक्ल कल्याण, नहीं गलत हो गया, कोई बात नहीं यार। सुमित सेज वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल, बहुत बढ़िया सुमित, करेक्ट है, इसको पब्लिक डालो, करेक्ट है। इट इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ इट, चिन्मयी शुक्ल थोड़ा गलत हो गया, क्या गलत हो गया, एड्रेस ऑफ इट नहीं, दूसरे का, खुद का नहीं करेगा वो, दूसरे का करेगा, हाँ हालांकि खुद का भी कर सकता है। डिफाइनिंग अ पॉइंटर वेरिएबल, हाँ ठीक है, असाइनिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू अ पॉइंटर यूजिंग क्या, यूनिकरी ऑपरेशन एंड, अच्छा एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ द, बापरे बापरे, क्या तू क्या गूगल से उठा के पेस्ट मारा करे हर्ष, कोई बात नहीं, होल्ड द होल्ड डेटा, नहीं वेरिएबल, वेरिएबल इज यूज टू होल्ड द डेटा, मोनाली थोड़ा चुक लो। हिमांशु वेरिएबल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी, अरे बहुत बढ़िया, ये भी चलेगा, रोहित इज ऑल्सो करेक्ट, अनादर वेरिएबल, यस सर ठीक है, जिसके पास दूसरा वेरिएबल का एड्रेस हो, अरे सही है ना हिमांशु, वो भी सही है, करेक्ट है। टेक्निकली अगर बोलूं तो, टेक्निकली अगर अगले वाले को बताना है तो क्या बोलोगे आप, एकदम सिंपल एंड स्वीट, इसमें सबसे बेस्ट और सबसे पहला जो आंसर मेरे को दिखा दैट इज सुमित,
वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ द अनादर वेरिएबल, है ना, ऐसा वेरिएबल, ऐसा स्पेशल वेरिएबल बोल सकते हो जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल इस कंडीशन में वो किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, वो ए का एड्रेस होल्ड कर रहा है जिस ए के एड्रेस में 10 है. ओके चलो थोड़ा सा आपका ज्ञान चेक किया जाए कि आपका ज्ञान अभी भी है बरकरार कि दिवाली ने, दिवाली के फटाकों ने आपका ज्ञान को भी फोड़ दिया. चलो देखते हैं. ठीक है चलो आंसर डालो. आई नो इस बार किसी का भी गलत नहीं होने वाला, मेरे को पता है, गारंटी से पता है सब करेक्ट आंसर देंगे. चलो सब स्मार्ट बच्चे, मेरे को पता है, डालो जल्दी जल्दी. 15 लोग हैं यहाँ पे, 15 लोग हैं यहाँ पे. छुट्टी के बाद का पहला दिन, मेरे को पता है सब जन ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, बट कोई बात नहीं, हम ओल्ड वाला ही ले रहे हैं, कुछ नया नहीं है. विशाखा से 10, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके डाल सकते हो. 10 एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, 10, बहुत बढ़िया करेक्ट है सुमित, करेक्ट. सुमित का आंसर देखना ही नहीं पड़ता. यस बाकी लोग, हर्ष सेज ऑल 10, गलत हर्ष. कल्याण सेज बी इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 10, नहीं कल्याणी. या सोचो सोचो आराम से सोचो, कोई गाइड नहीं. ओनली सेकेंड बी, बाकी लोग भूल गए शायद. याद है क्या, सबने तो डेफिनेशन तो करेक्ट बताई यार, देन व्हाई, क्या हो गया, गले में है क्या आंसर, गले में बाहर नहीं आ रहा है, या फिर उंगली में है क्या, टाइप नहीं हो रहा है. ओके ठीक, कोई इशू नहीं, मैं अभी दिखा देता हूँ. ओके कंफ्यूज हो रहा, अरे अभी अभी तो खुद ने सोचे यार, अभी तो आंसर दिया ना सबने, सबने आंसर दिया, सबने करेक्ट भी आंसर दिया, मैंने अप्रिशिएट भी किया. ओके ठीक है, सो ए इक्वल्स टू 10, तो सिंपली देखो मैं आपको ना ड्रॉ करके दिखाता हूँ, फिर ना आपके आंसर खुद ही आ जाएंगे. ओके तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया, सो वेरिएबल का नाम क्या है, तो वेरिएबल का नाम है ए, और उसका कोई एड्रेस है तो ऐसे कंसीडर कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये उसका एड्रेस है, ए का एड्रेस, और उसके अंदर क्या रखा है, 10 रखा है, आप खुद ही देखो. फिर हमने क्या किया, बी बनाया, बी को भी कुछ एड्रेस रहेगा, सो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ना मतलब कितना आएगा, 7, 1. ठीक है, इस जगह पे क्या है,
यहाँ पे उसने एड्रेस रखा, बी में क्या है एक एड्रेस, मतलब इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 ये एड्रेस है। ओके ठीक है, सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है सर 10, तो यहाँ पे आएगा 10। चलो ठीक है, एड्रेस ऑफ ए सर मतलब एड्रेस ऑफ ए, खुद ही तो लिखा है एड्रेस ऑफ ए, मतलब एड्रेस ऑफ ए मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 सर यही आएगा क्या 1 2 3 4 5, अरे नहीं कुछ भी आ सकता है, वो एड्रेस है हम अज्यूम कर रहे हैं ना, तो ये आ सकता है, तो आप बोल सकते हो एड्रेस ऑफ ए कुछ भी हो। देन उसके बाद बी, सर बी में क्या है, तो खुद ही देखो बी में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 मतलब क्या है एड्रेस ऑफ ए ना, ए का ही तो एड्रेस है जो कि क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ओके फिर उसके बाद क्या है बी, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी मतलब खुद का, तो यहाँ पे लिख सकते हो एड्रेस ऑफ बी मतलब क्या है 1 2 3 4 5 7 1। ओके देन स्टार बी, स्टार बी का मीनिंग क्या होता है सर, यही तो है पॉइंटर, उसका मीनिंग क्या है इसके अंदर जाएगा और इस एड्रेस की वैल्यू पे वो जाएगा, मतलब इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, तो क्या है 10 है, तो आखिरी में मिलेगा 10। तो पहले क्या मिला हमें, फर्स्ट मिला 10, देन सेकंड मिला एड्रेस ऑफ ए, देन सेकंड उसके बाद मिला एड्रेस ऑफ ए, देन मिला एड्रेस ऑफ बी, देन 10। सेम चीज यहाँ पे भी वैसे लिखा है, ए ए के अंदर था 10, एड्रेस ऑफ ए मतलब ए का एड्रेस, बी बी में क्या है एड्रेस ऑफ ए ही है इनडायरेक्टली, सो यहाँ पे भी क्या मिलेगा एड्रेस ऑफ ए, देन उसके बाद एड्रेस ऑफ बी तो खुद का देगा वो, एंड स्टार बी मतलब 10 देगा। अब देख लेते हैं एक्चुअल में कौन सा है, सो वेट अ सेकंड, एंड यू कैन सी सेम चीज 10 ये है एड्रेस ऑफ ए, ये जो नंबर है 52 ये है ए का एड्रेस, देखो बी के अंदर भी हमें ए का एड्रेस ही मिला, एंड हमारा पॉइंटर कहाँ पे है 48 पे है हमारा पॉइंटर, और पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है इस ए वाले एड्रेस को, मतलब जहाँ पे वो 10 रखा हुआ है। अभी किसी को प्रॉब्लम, और एक एग्जांपल दूंगा, तो अभी किसी को प्रॉब्लम नो, ओके चलो ट्राई करते हैं। ओके गाइस फिर से एक बार ये लास्ट टाइम भी हो चुका है, कुछ नया नहीं पड़ा, वही प्रीवियस वाला ही है। चल आंसर दो, ऋषभ से 10 12 10 12 12 12 10 10 10 12। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो मामा जी? बोला जी जिन में से 12 12। बस इतने ही लोग, बाकी लोग 12 12 विशाखा से 12 12। टेन ट्वेल्व, ओके कोई बात नहीं। तो कौन है सही कौन है गलत, तो 12 12 वाले सही है और 10 10 वाले सारे गलत है। हाँ 10 10 गलत, आपका भी गलत। सो पहले समझो फिर मैं आपको एक्चुअल आउटपुट दिखाता हूँ। जिन लोगों का आ गया ग्रेट गाइस, और तुक्का मारे होंगे तो तुम लोग भी देख लो ठीक है। हाँ आई नो आप लोग तुक्का नहीं मारे, फिर से एक बार आप भी देख लो तो सिंपल देखो आप कैसा है, ए ए है इसका मैं भी एड्रेस अज्यूम कर लो 6 7 ऐसा करके ठीक है, और यहाँ पे क्या है 10 है। ओके
देन बी 1 2 3 4 5 एंड क्या आएगा 7 1 था लास्ट टाइम हमने किया था, ये एड्रेस होल्ड कर रहा है उसी का 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट है. देन क्या किया हमने, हमने बोला कि स्टार बी मतलब क्या, स्टार बी मतलब ये एड्रेस ओके उसका उसमें क्या रखना है ए प्लस टू, तो ए में क्या, ए में है 10 तो बोला है उसने स्टार बी में ए, ए में क्या है 10 प्लस टू तो आ गया 12, तो ये जो 12 है वो कहाँ रखना है स्टार बी में, स्टार बी में मतलब ही क्या यहाँ पे. तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ए चेंज हो चुका है हमारा, एंड ए चेंज हो गया तो स्टार बी भी तो उसी को पॉइंट कर रहा है, तो दोनों टाइम में हमें क्या मिलेगा 12 ही मिलेगा. आंसर समझा, ये समझा ओके एकदम सिंपल वे में मैंने बताया था आपको. देखो 12 एकदम सिंपल वे में बताया था मैंने आपको, ये चीज हमेशा याद रखो. देखो क्या चीज मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखो. सर ऐसा है, सर मैम दोनों, कि अगर कोई पॉइंटर है, कोई भी पॉइंटर, सपोज स्टार भी ओके कोई पॉइंटर अगर किसी का एड्रेस रख रहा है, किसी का भी एड्रेस, कोई भी रो यार, ए रो बी रो, दैट इज इक्वल्स. सीधा ब्रेन में ले लेना कि वो दोनों चीजें इक्वल है, इक्वल है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है. तो जो इसका रहेगा वही इसका रहेगा, जो इसका रहेगा वही इसका रहेगा, सिंपल ओके एकदम सिंपल एंड स्वीट में समझाया कि जो इसका वो इसका, जो इसका वो उसका. सर मतलब, अरे ए जो रहेगा वो बी रहेगा और बी जो रहेगा वो ए रहेगा, अगर किसी भी एक के ऊपर अगर हो रहा है तो मतलब इनडायरेक्टली वो उसको चेंज कर देगा बिकॉज उसने उसके अंदर का एड्रेस होल्ड करके रखा है ना. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं उसको. सिंपल फॉर्म में समझो कि जिसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, अगर मैं उसके उस मतलब पॉइंटर के साथ डील करूं या फिर वेरिएबल के साथ डील करूं, दोनों टाइम में वही मेमोरी पे इम्पैक्ट ही करने वाला है. ओके चलो फिर से एक बार, हर्षु आता झोपुंजा पर खुल जाए रात्र. चला चलो चलो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट. चला सी शिकते का बस शिकते मम, तुला सी शिको तो अभ्यास कर दे, अभ्यास कर दे का. हाँ हाँ जा करा ला तो नहीं कर शिर बताओ, चलो आंसर बताओ. गोल गोल रानी इतना इतना पानी. हाँ अभी गलत नहीं होना चाहिए. गुड चिन्मय गुड. सुमित गुड. हर्ष क्या हो गया यार, गलत क्यों हो गया आंसर, आराम से सोचो ना हर्ष. नहीं तू हर्ष नहीं, तू नहीं, तू खाली थोड़ा विशाखा गलत. गुड ऋषभ. कल्याणी दो दो चाहिए ना, दो आंसर चाहिए ना. प्रोग्रामिंग नहीं. बाकी लोग क्या कर रहे हैं. गलत कल्याणी. अभी तो एक पॉइंट बताया यार, इतना अच्छा पॉइंट बताया, उसको क्यों भूल रहे हो. कैसे बताओ, देखो स्टार बी इज इक्वल्स टू ए, तो सिंपल बात है ना यार, ए बी इक्वल्स टू स्टार बी हुआ ना, समझे. हिंट दे रहा हूँ फिर से एक बार, तो स्टार बी इक्वल्स टू ए है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना.
सिंपल बताओ, शक्तिमान ही गंगाधर है, तो भाई गंगाधर ही शक्तिमान हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा घुमाने से तुम लोग क्यों घूम गए? जिन लोगों का आंसर गलत आ रहा है वो लोग, जो लोग अभी सही आंसर दे रहे हैं वो ठीक है, सिंपल बात है यार, एक एक ही ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, तो इनडायरेक्टली ए का एड्रेस स्टार बी ने होल्ड करके रखा है, रखा कि नहीं रखा? तो भाई अगर ए चेंज हो रहा है तो बी भी तो चेंज हो गया ना, क्योंकि बी तो ए का एड्रेस होल्ड करके रखा है, तो दोनों 15 रहेंगे ना यार, 10 कहाँ से आ गया? हाँ ये बात आया कि नहीं आंसर अभी? हाँ गंगाधर ही शक्तिमान है, समझे? सो दिस इज नथिंग बट अ 15-15, गुड। शक्तिमान, जुब 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 जुब, ठीक है, समझा ये पॉइंटर का कंसेप्ट? समझा, नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। तो कोई बता सकता है, कोई महानुभाव बंदा है ना, कि पॉइंटर ऑफ पॉइंटर क्या होगा? व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर इज द होल्डिंग होल्ड द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर ऑफ पॉइंटर काम क्या करेगा, क्या काम करेगा, या फिर उसको और भी एक नाम है, पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर, हाँ पॉइंटर टू पॉइंटर, या पॉइंटर ऑफ पॉइंटर भी बोल सकते हैं। सो क्या करेगा? नेक्स्ट टॉपिक वही है, पॉइंटर टू पॉइंटर। ये तेरी पढ़ना, मैं नीचे भले ही जा रहा हूँ, ये तेरी पढ़ना, ठीक है, वही लिखा है जो चीजें पढ़ाया है मैंने, वही लिखा है, बट थ्योरी पढ़ने से कैसा ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाता है, और वो मैं पढ़ के दिखाऊँ ना तो मीनिंग नहीं है, आप जब तक तो खुद ना पढ़ो, ठीक है, वही लिखा है, एड्रेस क्यों यूज किया जाता है, ये सारे अनोटेशन क्या होते हैं, वो वही लिखा है, तो पर एक बार पढ़ना, एक बार आंखों के नीचे से चला जाएगा तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहेगा। ओके, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या काम करेगा? सिंपल, पॉइंटर का काम था इट्स होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो पॉइंटर टू पॉइंटर काम क्या करेगा? स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पॉइंटर विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब पॉइंटर पॉइंटर टू पॉइंटर का मीनिंग क्या है, एक कोई और नया पॉइंटर रहेगा, हाँ एक कोई नया पॉइंटर रहेगा जो किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस होल्ड कर, अरे वो भी तो वेरिएबल है ना, नॉर्मल सा एक जो पॉइंटर है वो भी एक वेरिएबल है ना, मतलब पॉइंटर को भी एक एड्रेस है, तो उस पॉइंटर का एड्रेस भी कोई दूसरा वेरिएबल होल्ड करेगा, सेम कंसेप्ट। जैसे जैसे कि मैंने एक स्टोरी बताई थी, पॉइंटर को याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा एक कंसेप्ट बताया था, वही कंसेप्ट को अगर आप करोगे ना तो उसी कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हो सर। मतलब जैसे यहाँ पे हम एक बंदा ले लिए, यहाँ पे और एक बंदा ले लिए, यहाँ पे और एक बंदा ले लिया, ठीक है, तो इसका कुछ एड्रेस रहेगा, सपोज एक्स वाई जेड इसका एड्रेस है और इसका ए बी सी कोई एड्रेस है, तो क्या करेगा, ये बंदे को एक्स वाई जेड का एड्रेस पता है और ये जो एक्स वाई जेड है ये किसी दूसरे के अंदर स्टोर्ड है, मतलब ये तो एक्चुअल वेरिएबल है, ये एक्चुअल वेरिएबल है, ये एक पॉइंटर हो गया और ये एक पॉइंटर हो गया डब्ल्यू क्यू वाई ऐसा करके एक है, तो ये क्या हुआ, ये जो है ये पॉइंटर ऑफ पॉइंटर कहलाएगा, बिकॉज इसने एक पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करके रखा है और उसके अंदर एक एक वेरिएबल का एड्रेस रखा है, सो इट इज कॉल्ड एज पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। जब कोई एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस रखता है, वेरिएबल का नहीं, यहाँ पे पॉइंटर की बात चल रही है, जब वो दूसरे कोई पॉइंटर का करता है एड्रेस रखता है तब उसको बोला जाता है पॉइंटर टू पॉइंटर या फिर पॉइंटर ऑफ पॉइंटर। ये जो कंसेप्ट है, क्लास घेता है तो घेऊ देऊ नाही आला, तुला तिकडे बंद करतो आता। तो ये कंसेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है, तो जो लोग भी इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले उन लोगों ने ये वाला कंसेप्ट को थोड़े से अच्छे से देखना, बिकॉज ये कंसेप्ट समझेगा तो आपको बबल सॉर्टिंग वगैरह बहुत सारी ट्री वगैरह सब में इजी पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज, हाँ नहीं समझा कोई इशू नहीं है, फिर से एक बार हम देखेंगे, सिंपल बात है, जैसे ऋषभ है, ऋषभ के घर में मुझे जाना है बट मुझे ऋषभ का घर का एड्रेस डायरेक्टली नहीं पता, तो ऋषभ ने बोला सर आपको कहाँ तक पता है, तो मैं बोला मेरे को तो सदर तक ही पता है, तो ऋषभ ने बोला ठीक है ना सर आप सदर चले जाओ, सदर में एक मेरा बंदा रहता है, मेरा दोस्त रहता है, वो आपको मेरा एड्रेस बता देगा। तो मैं बोला अच्छा वो जो सदर वाला बंदा है उसको आपका एड्रेस पता है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं उसको नहीं पता, वो आपको बर्डी तक छोड़ेगा, बिकॉज बर्डी में एक दूसरा बंदा रहता है जिसको एग्जैक्टली मेरा एड्रेस पता है, तो जो सदर वाला बंदा है वो मेरे को कहाँ तक छोड़ने वाला है, बर्डी तो छोड़ने वाला। अगर जिन लोगों को नहीं पता सदर और बर्डी, जो लोग नागपुर के नहीं है उन लोगों के लिए ये थोड़े से कैसे फेमस जगह है, स्पॉट्स है जहाँ पे मोस्ट ऑफ लोगों को पता होता है।
तो कैसा हो गया कि उन्होंने ऐसा, मतलब जो सदर वाला बंदा है, सदर वाले बंदे ने सिर्फ बर्डी तक, बिकॉज क्यों, बिकॉज उसको सिर्फ बर्डी तक का रास्ता. तो सर क्या सदर वाला बंदा डायरेक्टली ऋषभ के घर तक नहीं पहुंच सकता? अरे पहुंच सकता है ना, क्यों नहीं पहुंच सकता? वो बर्डी वाले बंदे को एड्रेस पूछेगा और वो डायरेक्टली पहुंच सकता है. सेम इसी फंडे को बोला जाता है पॉइंटर टू पॉइंटर, बिकॉज एक पर्सन ने या फिर एक वेरिएबल ने दूसरे वेरिएबल का, जो कि वेरिएबल ना होते हुए वो भी एक पॉइंटर ही है, उसका एड्रेस होल्ड करके रखा है. सो दिस इज कॉल्ड एज पॉइंटर टू पॉइंटर कंसेप्ट. ओके यस ऋषभ, समझा? कोराडी समझा नहीं, कंसेप्ट समझो. वो तो ऐसे मैं सब समझाने के लिए बता रहा था रे, कंसेप्ट समझा. इसको हम टेक्निकली देखेंगे, 4 मिनट बचा है तो वैसे मैं दिखा सकता हूँ, बट वैसे कैसा हरी हो जाएगा एकदम. चलो ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको पता चल जाए. तो देखो यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर अगर समझना है, मतलब पॉइंटर ऑफ पॉइंटर या फिर पॉइंटर टू पॉइंटर को अगर देखना है तो एकदम ईजी है. दो स्टार दिखते हैं उसके सामने, कितने स्टार दिखते हैं? दो स्टार. सपोज मैंने सी ले लिया तो ये पॉइंटर टू पॉइंटर है. तो सर ये क्या करेगा? ये एड्रेस होल्ड करेगा, बट सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर का ही होल्ड कर सकता है, वेरिएबल का नहीं. सर क्यों? बिकॉज वो दो जंप कर सकता है. पॉइंटर टू पॉइंटर जो पॉइंटर होता है वो दो जंप कर सकता है, नॉर्मल पॉइंटर एक ही जंप कर सकता है. मुझे कल आता है, तू मला कलूच नहीं देता है. झोपले आपाजी, आपाजी तिकडे झोपले. सो सी ने क्या किया? सी एक पॉइंटर ऑफ पॉइंटर था, ठीक है, जिसने एड्रेस ऑफ बी को होल्ड किया, बिकॉज बी भी एक पॉइंटर है. तो अभी ये कंसेप्ट समझ में आया? सेशन खत्म हो गया ना अभी ये वाला, तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा ना, तो तब तक मैं इसको बांध के रखता, ठीक है? तो ये फिर मैं बता दूं, बिकॉज समझ में नहीं आएगा ये ऐसा बीच बीच में कूदेगा तो. इसको बांध के रखता रुचा, अभी हो ही गया मेरा एक सेशन. मारेगा नहीं, कूटूंगा मैं उसको, रुक. नींद नहीं आ रही. नहीं रे, मारता वारता नहीं, मजाक कर रहा. उसको बांध के रख दूंगा, मतलब दरवाजा लगा दूंगा. फिर कहा था वो पगले के, मारूंगा थोड़ी, बस बोल रहा हूँ उसको. चलो तब तक मैं बना रहा हूँ, ठीक है? ओके कुछ भी, मैं नहीं मारता किसी को. ए एंड बी, ओके. तो तब तक देखो तुम लोग क्या करो, 2 मिनट बचे हैं. सो जिनने आंसर दे दिए वो लोग अच्छा, अच्छे लेवल में, ठीक है, गुड, अच्छा कर सकते हो. ओके देन क्या था? सी, एड्रेस ऑफ सी. थाम तू आता, तू थाम आता, तू तू थाम आता. चलो बताओ, इतना सारा डर लिख तो लिया, पर सब में नॉर्मल चीज है. आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा. हलचू बोलते नाही तू मग मी नाही जातो बोलते हा तिकडे नाही जात आता. चलो बताओ तब तक. अच्छा ऊपर का दिखाऊ? कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा कर दो. चलो लेस देन 1 मिनट इज देयर, सो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे. स्क्रीनशॉट मार लो तब तक.
मामा